गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक से ही आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक में अपने मोनोसेक्राइड्स पर अपने डिस्कस किया था। मोनोसेक्राइड्स में अपने इसका क्लासिफिकेशन में अपने बताए थे, टू टाइप्स के होते हैं, एल्डोस और कीटोस। ठीक है, तो उसके बारे में अपने बात की। फिर इनमें जो नोमिकल्चर होता है वो कार्बन नंबर के बेस पर होता है, ये आपको बताया था। इसके अलावा अपने मोनोसेक्राइड यानी कि जो मेन मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें अपने एग्जाम्पल लिया था ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर ही आज भी बात होगी। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज का तो आपको बता दिया था भाई, आप इसका लेबोरेटरी में इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको बताया था कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर अपने इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहे तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन आप किससे करते हैं, स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से होता है। ठीक है, तो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस आप डाइल्यूट एस्टेसोफोर की प्रेजेंस में और साथ में क्या है 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 2.3 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, ग्लूकोज प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये बात अपनी जो लास्ट वीडियो था उसमें अपनी हो चुकी थी। इसके अलावा फिर बात करते हैं अपने फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज जो होता है कि ये जो स्वीट फ्रूट होते हैं उनके जूस में पाया जाता है, यानी कि एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के साथ ही होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ क्या है कि हनी में भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि कुछ जो शुगर्स यानी कि जो अपने सुक्रोज है उस शुक्र में, सुक्रोज में इसके अलावा इनुलिन, इनुलिन जो आपको बताया था कि इनुलिन में पाया जाता है। तो इनुलिन से आप कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो डहलिया, इनुलिन क्या होता है कि जो डहलिया का प्लांट होता है उसकी रूट से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो डहलिया के जो प्लांट है उसकी रूट से इनुलिन प्राप्त होता है। इनुलिन के जल अपघटन से आपको क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज आपको प्राप्त होगा। और फ्रक्टोज के अपन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्रक्टोज क्या होता है कि ये शर्कराओं से क्या है, शर्कराओं में क्या है, सबसे अधिक मीठा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें थोड़ी सी, तो ये क्या है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है ना, एक पाउडर रूप में आपको मिलेंगे। इनका हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 102, 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं। ठीक है, इनका स्वाद जो होता है, टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वेरी स्वीट होता है। इसके अलावा क्या है कि ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक जो सोलवेंट है उनमें क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक विलायक है उनमें अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बात की थी अपने। तो एक छोटी सी बात तो मैं यहाँ पर नोटिस करा देता हूँ आपको कि फ्रुक्टोज डहलिया डहलिया की जड़ों से, जड़ों यानी कि रूट से प्राप्त सॉरी से प्राप्त इनुलिन इनुलिन का हाइड्रोलाइसिस कराने पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी मेन बात थी जो मैंने आपको नोटिस करा दी है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है कि जो फ्रक्टोज होता है वो फ्रक्टोज और साथ में क्या है कि जो आपके स्वीट फ्रूट्स हैं उनके जूस में, इसके अलावा हनी में, इन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात करेंगे अपना आज वो बात करते हैं अपने ग्लूकोज क्या होता है कि एक एल्डो हेक्सोस क्या होती है, एक शुगर होती है। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक एल्डिहाइड्रिक यानी कि एक एल्डिहाइड्रिक ग्रुप और साथ में क्या होते हैं, पांच हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर जाएं तो एल्डिहाइड्रिक ग्रुप के कारण से अगर ये क्या है कि इनकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, इनका अपचयन कराते हैं यानी कि रिडक्शन कराते हैं तो लास्ट में जो एटलीस्ट अंत में जो यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर एनहेक्सेन। और ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है,
और सैक्रिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होगा, यानी कि आप ये कहें कि रिडक्शन से लास्ट में एनहेक्सेन व ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड व सैक्रिक एसिड यहाँ पर बनता है। इसके अलावा क्या बात होती है, ये पांच हाइड्रोक्सी समूह के कारण से क्या है कि यहाँ पर क्या है, पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव भी ये बना सकता है। तो ये अपने यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शंस के साथ यहाँ पर आपको ये बातें यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोस होता है जिसमें एक एल्डिहाइड्रिक हाइड्रिक व फाइव फाइव हाइड्रोक्सी ग्रुप पांच हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, ठीक है। आगे क्या बात होती है, एल्डिहाइड्रिक ग्रुप के रीजन से कारण से यह हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ साइनोहाइड्रिन, एक सेकंड, साइनोहाइड्रिन हाइड्रिन बनाता है, ठीक है। तो इसके साथ तो ये साइनोहाइड्रिन HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाएगा, ठीक है। रिडक्शन कराने पर अंततः एंड में एन हेक्सेन एंड ऑक्सीडेशन कराने पर ग्लूकोनिक एसिड व सैक्रिक सैक्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन से तो क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड और ये, और रिडक्शन से ये, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, ठीक है। फाइव हाइड्रोक्सी ग्रुप की, सॉरी, हाइड्रोक्सी ग्रुप के रीजन से यह पेंटा एसिटिल एसिटिल डेरिवेटिव व्युत्पन्न बनाता है।
ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये कौन कौन से यहाँ पर किस किस तरह से फॉर्म होंगे तो अपन कंबाइंड रूप से यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, CHO, CH, OH का होल फोर और CH2OH। आपको बताया था टोटल क्या होता है, इसमें पांच हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज की अपन ने क्या क्या बात की है, अब देखो अपने एक सीरियल से अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन ने बताया था कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या बनाता है, ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, साइनोहाइड्रिन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहां पर क्या प्राप्त होगा, CH OH और CN, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ग्रुप आ जाएगा, CN ग्रुप आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइनो हाइड्रिन, CHOH का होल फोर और CH2OH, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, साइनो हाइड्रिन, ठीक है। अगर इसका क्या कराते हैं फिर, अपने क्या बोला, रिडक्शन कराने पर एन हेक्सेन अंत में, ठीक है, लास्टेड। तो यहाँ पर अगर इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन, तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, हाइड्रोजन और पीटी प्लेडियम, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो पहले क्या बनता है, सोर्बिटोल यहाँ पर प्राप्त होगा आपको, CH2OH, CH OH का होल फोर और CH2OH, यानी कि सभी किसमें चेंज हो गए, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ तो इसका आगे अपन रिडक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर, एन हेक्सेन, CH3, CH2 का होल फोर और CH3, ये क्या प्राप्त हो गया आपको, एन हेक्सेन, ये क्या है, सोर्बिटोल, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका क्या कराते हैं कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन और H2O की प्रेजेंस में इसका क्या करा रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड का अगर आपका आगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, सैकरिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा, सॉरी COOH और CHOH का होल फोर CH2OH, ठीक है। ये क्या प्राप्त हो गया आपको, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। इस ग्लूकोनिक एसिड का आप आगे हाइड्रोलाइसिस कराएं, सॉरी ऑक्सीडेशन, क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, HNO3, नाइट्रिक एसिड आपको पता है कि एक बेटर ऑक्सीडेंट है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, सैकरिक एसिड, COOH, CHOH का होल फोर और COOH। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये सैकरिक एसिड, ठीक है। अब एक बात क्या रहेगी यहां पर कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप के रीजन से ये क्या है कि पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव बनाता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि अपन किसकी बात करेंगे, यहां पर एसिटाइल, तो यहां पर क्या है कि
आप किसके साथ इसकी रिएक्शन कराएं, CH3 CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, CHO CHOH का होल 4 और CH2 OCO CH3, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, ये पेंटा पेंटा एसिटिल एसिटिल ग्लूकोज आपको यहां पर ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपने फ्रक्टोज पर। ये तो हो गई आपकी ग्लूकोज की बात, ठीक है, कि ग्लूकोज फर्स्ट एक नंबर रिएक्शन, दो नंबर, ये तीन नंबर और ये चार नंबर, ठीक है। तो ये चार इसकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे फ्रक्टोज पर, ठीक। तो फ्रक्टोज क्या होता है कि कीटो हेक्सोस होता है। तो कीटो हेक्सोस होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि फ्रक्टोज से क्या होगा, ओसा जोन का फॉर्मेशन होगा। तो ओसा जोन की अपन क्या है कि इसकी मैकेनिज्म अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि ओसा जोन फ्रक्टोज से ओसा जोन कैसे बनेगा और फिर ओसा जोन से ओसा जोन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रहा है। तो उस पर अपने इसके कुछ मेथड्स हैं अपने पास, तो उस मेथड्स पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।